कब चलेगी घर? मम्मी बुला रही थी। हम नहीं जाएंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्र और आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और सो ये सुबह सुबह की वीडियो है जब ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं लड्डू सोया हुआ है और लड्डू के साथ उसके बड़े भाई भी सोए हुए हैं। तो जब सब लोग सोए हुए थे और मैं इधर लड्डू के पापा भी सोए हुए हैं तो ये मैं झाड़ू वगैरह लगाने वाली थी, जस्ट मैंने अपने रूम में लगाया था और बाकी अभी जगह बाकी था तब का है। और लकी को जाना था स्कूल तो यहाँ पर मैं उनका बाल बना रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि आंटी बना दीजिए। 8 बजे के करीब इनका स्कूल होता है लेकिन सुबह सुबह 6 बजे इनका ट्यूशन होता है, तो ट्यूशन के टाइम का है ये। जब उन्होंने बोला कि मेरे को आंटी थोड़ा पोनी कर दीजिए मतलब प्लेट्स वाला, तो वही मैं बाल बना रही थी क्योंकि या तो मम्मी बनाती है या तो मैं बनाती हूँ, कभी कभी अनीशा भी बना देती हैं। और पहले तो ये अपना बाल किसी से भी नहीं बनवाती थी और हमेशा एक लिपस्टिक लेके ही घूमते रहती थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उनका बाल बना रही हूँ। मैं पूछ रही थी कि साइड से चाहिए या बीच मांग चाहिए, तो बस उसमें ही लगी हुई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। भैया ने कुछ कुछ भेजा था, पीआर के लिए आया था यानी कोलैबोरेशन के लिए, तो वही कुछ कुछ चीज़ें आई थी वो आपको वीडियो के आगे तक देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जस्ट झटपट हम लोग अपना रेडी होते हैं और जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ मैं खाऊंगी चाय एंड बिस्किट। लड्डू भी खाता है, वैसे लड्डू पता नहीं कहाँ गायब हो गया है यहाँ से। लड्डू अपने डॉल हाउस के साथ खेल रहा था और अब मैं खाऊंगी चाय बिस्किट एंड फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करेंगे थोड़ा, क्योंकि बाकी सारा काम तो हो ही चुका है। तो अभी मैं खाऊँगी बिस्किट। आज भाभी बहुत जल्दी, क्योंकि कार्तिक हमारे यहाँ चढ़ गया है, हमारे यहाँ नहीं सबके यहाँ चढ़ गया है, लेकिन कार्तिक में भाभी सुबह में, एक्चुअली कार्तिक नहाती हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसमें क्या होता है ना कि सुबह होने के पहले ही उठ के नहा धोवा के पूजा वगैरह किया जाता है और सब लोगों को 7 बजे के पहले ही स्कूल वगैरह होता है, 6:30 बजे ऐसे होता है। तो आज सारा काम जल्दी जल्दी हुआ है, तो अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग का काम सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। और आज मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में थी क्योंकि आज सबको जाना था और मेरे यहाँ पे दांत में इतना पेन हो रहा है, तो रात में उठ के दवा खाई, उसके बाद से फिर मैं सोई। लड्डू पे भी आँख में थोड़ा इरिटेशन था तो वो भी उठ के रोने लग गया था। तो मैं जब उठी तो सब लोग नहा धोवा रहे थे, तो बस अब मैं जा रही हूँ चाय बिस्किट खाने, बाकी सब लोग खाना वाना खा चुके हैं। तो खाऊँगी, उसके बाद से पढ़ूँगी, उसके बाद से वापस कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। देखे तो नीचे गए थे लेकिन मैंने इनका कर दिया चुरकी, और वैसे आजकल लड्डू हमेशा चोटी बंधवाता है तो पीछे से भी पकड़ के आज मैंने कर दिया, इसलिए थोड़ा बाल निकल गए हैं। लेकिन अगर ऊपर के आधे बाल करते हैं ना तो बहुत अच्छे से रहते हैं। और लिपस्टिक भी लगाया क्या जी तुमको आज? बोल दो हाय गाइस। लड्डू रो रहा है क्योंकि इसको खेलना है। लड्डू ए लड्डू लड्डू गोपाल, एलोवेरा लगाए, आओ सनस्क्रीन लगा दे, आओ। देखिए गाइस मेकअप के लिए आगे रहता है ये। उसमें फिनिश हो गया है, मम्मा का है वो। मैं सोच रही इस पेटी पे कवर डालने के लिए और अलमीरा के लिए भी सोच रही थी, लेकिन अभी देखती हूँ। और मेरे को कर्टन भी मंगवाना है, मैं सोच रही हूँ कि इस कलर का ही मंगवाऊँ, मतलब कि ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन में या ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। तो ब्राउन अच्छा रहेगा, वाइट तो बहुत गंदा होगा यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्राउन मंगाऊँगी बिकॉज रूम का कलर वाइट है, तो देखते हैं। और मेरा ये साड़ी भी कॉन्ट्रास्ट करता है वाइट और ब्लैक के, उसमें ना हम तीनों तो ऐसे अच्छा लगता है। ज्यादा व्लॉग को डिले नहीं करते, चलते एक सरप्राइज की तरफ जो कि है ये। ओ नो नो नो, इधर से आ रहा है। खुश रहो खुश रहो।
तो प्रणाम तो कर ही लिए ये मैम को प्रणाम कर लेते सकत जैसे कब चलेगी घर मम्मी बुला रही थी हम नहीं जाएंगे तुम लोग क्या करेगा हम लोग भी जा रहे हैं थोड़ा सा स्पॉन्सर आया था गाइस इन लोग का स्पॉन्सर जरूरी है माँ का सेवा जरूरी है स्पॉन्सर आया है कुछ ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए क्या जरूरी है माँ का सेवा या स्पॉन्सर यूट्यूब एक दिन बैन हो जाएगा फिर भी माँ रहेगी लेकिन ये लोग को नहीं इन लोग को स्पॉन्सर चाहिए अरे टिकट वो करके भेजा था करके भेजो तब भी रिजेक्ट हो सकता है लेकिन नहीं ये लोग जाएंगे घूमने और हम जाएंगे मम्मी को देखने वैसे हम चले जाते हैं लेकिन हम नहीं अभी जाएंगे बिकॉज मेरे हस्बैंड की खुद तबीयत खराब है और मेरे घर में खुद ही पेंटिंग शेंटिंग सब हो रहा है दिवाली वगैरह है तो इसीलिए चलते हैं यहाँ कुछ आ गया है पीआर का कपड़ा है जो कि मेरे मतलब भैया को शायद मिला था तो भैया के पीआर का कपड़ा है क्या क्या कपड़ा है वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा तो बने रहिए व्लॉग में और मेरी इसका पूरा एक कलेक्शन ही आ जाएगा हम लोग सब रिकॉर्ड किए हैं मतलब वो आपको एक दो बनवा रहा है आप तो उसको छोड़े ही नहीं है जब तक ये रिक्शा गया नहीं है तब बहुत बदमाश मार रहे थे एकदम पिटाई होगा लकी आ गई है सारे बच्चे आ गए हैं तो चलिए नाश्ता पानी करा देते हैं उसके बाद से फिर वापस मिलते हैं फोन का हो गया है फोन बंद तो ये रोना स्टार्ट कर दिया ये आते के साथ रुला दिया इसको लड्डू ये देखो तो गाइस यहाँ पे मैं और लकी जा रहे हैं नाश्ता निकालने के लिए तो फटाफट से नाश्ता निकाल हाउ एबीसीडी कर रहा है चलिए देख सकते हैं स्कूल से आई है तो इतना कुछ आज आप लोग थोड़ा जल्दी आ गई है ना क्योंकि आज सैटरडे है ऐसे स्पॉन्ज खाता नहीं है लेकिन फिर भी हम बोले लेते आइएगा क्योंकि हम खा लेंगे भाई तो क्या हुआ अगर वो नहीं खाएगा तो ये क्या है ये बाकी है ये बाकी की मिठाई अच्छा मुझे लगा कि अभी ये मिठाई बाकी है नहीं नहीं खाता है फिर भी इसको हम लोग देंगे और ये मेरी मम्मा का फेवरेट है तो यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो ये मिठाई जाता है तो थोड़ा फूल जा भाई फूल जा सिम सिम होता है हम लोग का फूल जा सिम सिम होता है तो यहाँ पे हो गया है हमारा मिठाई अरे अरे मिठाई तो चलो चलते हैं चलते हैं बाबू जूता निकाल दीजिए उधर रख दीजिए वहाँ पे यार जूता मिलता है क्या नया अच्छा हो जा रहे लेने आटो तो अरे खोलने जा रहे आटा ब्लॉग अर्णव तुमको मिलवाया नहीं लड्डू क्या आ रहा है चलो हम जा रहे हैं अरे बाथरूम जा रहे हैं हमको लगा लेके आ जाएगी इसीलिए बोला कि हम बाथरूम जा रहे हैं ताकि ये लेके जाएंगी लेकिन ये इधर काम कर रहे हैं आप बहुत सोच चुके हैं यहाँ से जाने का आप को देख सकते हैं लोग कितना अच्छा है लाइक कमेंट सबसे पहले आप लोग ये कर दीजिए मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है और ये दिखा रहा है स्कूल गए थे ना आप अभी क्या क्या पढ़ाई किए हैं सब बस खत्म हो गया अब आप आगे बस बाद में पूछा जाएगा सब पढ़ लिए